सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर एटीएम मशीन है। बीते 12 साल में उनकी लगातार 15 फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी हैं। साउथ में जिस तरह से थलाइवा रजनीकांत को लेकर दीवानगी है, कुछ वैसा ही हिंदी फिल्मों की दुनिया में सलमान खान को लेकर भी है। अगर आपने किसी भी थिएटर में सलमान की कोई भी फिल्म देखी हो तो उनके फैंस की दीवानगी के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 27 दिसंबर 1965 को पैदा हुए सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ। सलीम खान और सलमा सलीम के बेटे सलमान के बारे में वैसे तो आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान से थे और सलमान के दादा DIG रह चुके हैं। आइए जानते हैं सलमान के पूर्वजों के बारे में कुछ ऐसी ही बातें जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान के पठान थे। सलमान के दादा अब्दुल रशीद खान और उनके भी दादा अब्दुल लतीफ खान थे। सलमान के परदादा का नाम अनवर खान था। सलमान के पूर्वज अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने की कहानी बड़ी दिलचस्पी से बताते हैं। उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मालकंद से हिंदुस्तान आए थे। भाईजान के पूर्वज अलकोजाई पश्तून थे। इन्हें अलकोजाई यूसुफजई समाज से जुड़ा हुआ माना जाता है। 18वीं शताब्दी में एक सूफी संत के अनुयायी बन उनके साथ हजारों की संख्या में लोग भारत आए थे। इन हजार लोगों में सलमान के पूर्वज भी शामिल थे। इंदौर के महाराज होलकर ने सूफी संत और उनके अनुयायियों को अपने राज में शरण दी थी। सलमान खान और उनकी फैमिली आज सिनेमा की दुनिया का अहम हिस्सा है, लेकिन उनके दादा परदादा इससे कहीं दूर एक रुआब वाली शख्सियत थे। सलमान खान के परदादा का नाम अनवर खान था। वो ब्रिटिश भारतीय सेना के घुड़सवार दल में थे। दादाजी यानी सलीम खान के पिता अब्दुल राशिद खान एक रसूखदार इंसान थे जो कि इंदौर के DIG पद से रिटायर हुए थे। वो होलकर राम में DIG के पद पर थे। महाराजा यशवंत राव होलकर ने उन्हें दिलेर जंग की उपाधि दी थी। अफगानिस्तान पठान राजा महाराजाओं और अंग्रेजों के जमाने में दिलेरी से लड़ने के लिए खासा मशहूर हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब राजा महाराजा अपनी रक्षा और दूसरे राजाओं के बीच अपनी धमक बनाए रखने के लिए अपने साथ पठानों को रखते थे। लंबी कद काठी वाले पठान लोगों के साथ एक ऐसी बड़ी खासियत थी कि ये बड़े ईमानदार हुआ करते थे। वो जिस राजा को सुरक्षा का वचन देते उनके साथ ताउम्र रहते। सलमान खान के कई पूर्वज भी राजा होलकर के बेहद करीब थे, लिहाजा इंदौर में उनके परिवार को हमेशा से सम्मान मिलता रहा है। सलमान खान के दादा अब्दुल राशिद खान के बारे में एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि उनके हाथ एक खजाना लगा था। लेखक जसीम खान अपनी किताब बीइंग सलमान में इसका जिक्र करते हैं। इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में अब्दुल राशिद खान ने एक मकान खरीदा है। बताया जाता है कि जब वो उस पुराने मकान को तोड़कर नया घर बना रहे थे तब वहां उन्हें एक खजाना मिला। सलमान के दादा ने खजाना मिलने के बाद वो इमारत बेच दी और फिर पलसिया इलाके में एक बड़ी जमीन खरीदकर वहां घर बनाया। DIG अब्दुल राशिद खान काफी रौबदार और दबंग इंसान थे। उन्हें लोग सर नहीं मियाँ कहकर पुकारते थे। सलमान के दादा ने कभी घर में नहीं लगाया ताला। सलमान के चाचा नईम खान बताते हैं कि अब्दुल राशिद बड़े सख्त मिजाज के थे। वो DIG थे लेकिन घर पर कोई भी नौकर नहीं रखा करते थे। घर वालों को सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। घर में बिजली तक नहीं थी, ना ही घर में कभी ताला लगाते थे। DIG होकर भी वो कभी साथ में रिवॉल्वर नहीं रखते थे, डंडे से ही उनका काम चलता था। एक और दिलचस्प संयोग ये है के सलमान के पिता सलीम खान का जन्म इंदौर में हुआ है। 24 नवंबर 1935 को सलीम खान पैदा हुए, जबकि इसके ठीक 30 साल बाद 27 दिसंबर 1965 को सलमान खान पैदा हुए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।